हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैकेनिकल फोरम। तो आरआरबी एएलपी से रिलेटेड एक नोटिस आया है जो आप लोग को ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगा या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, इस नोटिस में लिखा हुआ है कि जिन्होंने सेकंड स्टेज सीबीटी एग्जाम दिया है फॉर द एएलपी एंड टेक्नीशियन पोस्ट, वो लोग अपना प्रोविजनल स्कोर, क्वेश्चन पेपर एंड रिस्पॉन्सेज फाइनल कीज के साथ देख सकते हैं। ये कब आप लोग देख सकते हैं? ये 23 जो मार्च है वहां से स्टार्ट हो जाएगा देखना और 25 मार्च तक चलेगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है नोटिस में कि सेकंड स्टेज एग्जाम था वो 21 जनवरी, 22 जनवरी, 23 जनवरी और 8 फरवरी को हुआ था। यहाँ पर जो स्टूडेंट अपीयर हुए थे उनको एक अपॉर्चुनिटी दी गई थी कि वो लोग ऑब्जेक्शंस रेज कर सकते हैं अपने क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद। कुछ अगर आप लोग को आंसर की में गड़बड़ लगता है या फिर क्वेश्चन पेपर में गड़बड़ लगता है तो आप लोग ने 18 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में ऑब्जेक्शंस रेज किया था, जिसका आरआरबी ने स्क्रूटनी किया है, ऑब्जेक्शन को पाया है। उसके बाद जो क्वेश्चंस थे पार्ट ए और पार्ट बी के, उसको फाइनलाइज किया है, उसके रिस्पॉन्सेज को फाइनलाइज किया है और उसके बाद जो सेकंड स्टेज का रिजल्ट है उसको वो प्रोसेस कर रहा है। इसके बाद जो शॉर्टलिस्टिंग होगी वो होगी एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। इससे पहले आरआरबी ने अपॉर्चुनिटी दी है कि एक बार फिर से जो कैंडिडेट्स हैं वो अपने नॉर्मलाइज स्कोर पार्ट ए पार्ट बी में देख सकते हैं और जो लिंक इसका होगा वो एक्टिवेट होगा 6:30 बजे से 23 मार्च को और रात 12 बजे तक 25 मार्च तक आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद आरआरबी ने कहा था रिजल्ट कंटेनिंग शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर द एप्टीट्यूड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट इज लाइक टू बी पब्लिश्ड ऑन और बिफोर 6 अप्रैल 2019। मतलब 6 अप्रैल से पहले जो रिजल्ट है वो क्लियर कर दिया जाएगा और जो टेस्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा वो प्रोविजनली 16 अप्रैल को होना है। ठीक है, ये नोटिस 23 मार्च की है, मतलब आज की नोटिस है और आप लोग आरआरबी की वेबसाइट पे देख सकते हैं। तो आप लोग 23 मार्च को एक बार फिर से जाकर अपना आंसर शीट, नॉर्मलाइज स्कोर और जो ऑब्जेक्शंस थे वो रेज किए थे, जो उसमें क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, और इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए और बने रहे मैकेनिकल फोरम के साथ। थैंक यू वेरी मच।